चेहरे देखो जाकर मनोहरलाल जी पल्ला साहब स्वागत करने के लिए खड़े थे। मैं दिल की गहराइयों से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहचान लोगों ने कि यहां का अगर कोई बीमारी का इलाज कर सकता है वो डॉक्टर है मनोहर लाल शर्मा। दूसरे लोगों की भी अजमाइश की लेकिन यहां के आदमी को कहीं भी उतार ना सके, बदलते रहे। यही हालत भाजपा की सारी जगह पे है। मनोहर लाल शर्मा जी ने बड़े विस्तार से हर एक बातें यहां पर रखी। आप सुबह से हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता लेकिन ये जरूर दर्शाता हूं और ये कि राहुल गांधी जी मनोहर लाल शर्मा के पीछे है कांग्रेस के साथ। और राहुल गांधी जी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर से पैदल चल के गए, पांव में छाले की परवाह नहीं की, धूप की परवाह नहीं की, बर्फबारी की परवाह नहीं की, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के दुख दर्द को समझने के लिए आए थे। उन्होंने महसूस किया कि बिलावर में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को ताकत देना जरूरी है। ये बिलावर की मजबूरी है। आज जिसका ये जिक्र कर रहे थे, 2014 के बाद आज हम सब लोगों ने भाजपा को पूरी ताकत दे दी, एमएलए भी बना दिए, एमपी भी बना दिए, लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद वो हमारे दूसरे रास्ते से रियासत का दर्जा छीन के ले गए, गवर्नर की पोस्ट लेके चले गए, यहां का रोजगार लेके चले गए, कैजुअल लेबर डेली वेजर की तनख्वाह को रेगुलराइज वो नहीं कर पाए, हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद करके उन्होंने बुजुर्गों पे भी एक प्रहार यहां पे किया, विधवाओं की पेंशन बंद करके भी वो प्रहार यहां पे किया, राशन के बाद इन लोगों ने की और जम्मू मंदिरों को शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। ये भाजपा की असलियत है, इसलिए इसको बदलना बड़ा जरूरी है। जो ठेकेदार बने हैं लोगों के, मनोहर लाल शर्मा जी हमारे साथ कैबिनेट में थे, रमन बल्ला उस वक्त मंत्री था,
तो आपकी अमरनाथ यात्रा 15 दिन चला करती थी, हम लोगों ने इस्तीफा दिया, आज यात्रा 60 दिन चल रही है। भाजपा का योगदान नहीं है। और भाजपा से पूछो, आपके एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के साथ भी बैठते हो। और वैष्णो देवी में पिछले साल एक ही बंगड़ में 20 आदमी मर गए, उसकी जांच कौन करेगा? ये सोचने की जरूरत है। ये आंखें बंद करके और ये बात करते हैं, तीसरी बार बन के आए क्योंकि वो चूलों की बरसात थी कि मोदी साहब 400 पार कर रहे हैं और 240 में सिमट के रह गए। छाती 56 इंच की 6 इंच तक रह गई, ये छाती है 112 इंच की। और ये छाती आंधी आए, तूफान आए, सारे लोग वो जम्मू 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 करने वाले नेता उनके आगे सरेंडर करते रहे, लेकिन हमारा जहां पांव पड़ गया वहीं पे मैं खड़ा हूँ, आज तक खड़ा हूँ। हमें आपके समर्थन की जरूरत है कि वो लोग जो बातें करते थे मोदी साहब, हम पाकिस्तान से आंख मिला के बात करेंगे, आप चुप्पी क्यों साधे रहे, ड्रोन अटैक होते रहे, आप तो चिट्ठी की बात करते हो, ड्रोन के जरिए हथियार आते रहे, आपने क्या जवाब दे दिया? एयरपोर्ट के अंदर जम्मू में ड्रोन के जरिए अटैक हो गया, आप तीसरी बार शरण ले रहे थे, मेरे शिव जी के दर्शन करने के लिए जो शिव घोड़ी में आए थे उनको जानों की आहुति देनी पड़ी। भाजपा चुप क्यों है? प्राइम मिनिस्टर हो उसमें एमपी क्यों चुप है? और उसके बाद हमारे फौजियों की शहादत जंग नहीं है, लेकिन वो शहादत दे रहे हैं। आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आपने 2000 के नोट भी छापे और खुद वापस भी ले लिए, तो भाजपा कहां पे है? ये सरकार नहीं चला सकती, 3 साल कर दिए सरकार, इनको सरकार चलाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। बाप बेटी की सरकार कहा करते थे और मुफ्ती साहब ने कहा मैं मिलिटेंट और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हालात ठीक रहे। मोदी साहब करते नीचे करके बैठे रहे, क्यों विरोध नहीं किया? इसलिए हमारी जद्दो ज्यादा की हमारी प्राथमिकता होगी, हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, अब वो राहुल गांधी ने रहा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल मोदी साहब के सामने बैठ के बातें करता है, जो बिल भी लाएंगे जो जनता विरोधी होगा वो बिल पास नहीं होगा। उन्होंने कल भी बैरीना में मैं उनके साथ था, उन्होंने कहा हम हर कीमत में स्टेट का दर्जा छीन के आप लोगों को देंगे, वो दे ना दे आप मजबूर करेंगे, हम अपोजिशन में खड़े हैं। किसी भी रास्ते में कोई रियासत से यूटी नहीं बनती। जितेंद्र सिंह जी आप तो पीएमओ उसमें बैठे हो, बड़े आपने आपको तजर्बेदार पढ़े लिखे बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लेते, लेकिन रियासत की यूटी में तब्दील कर दी। हिंदुस्तान में किसी एक रियासत में 2 यूटी नहीं हो सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बनाई। आज मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जब सदन में गए शब्द लेने के लिए, उसने अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ कर रखा था और ये दर्शाता था कि अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बचा सकता है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी का नेतृत्व है। हमें उस पर पूरा भरोसा करना है और मैं महसूस करता हूं कि जितनी दर से मनोहर लाल जी ने यहां पे काम किए, ये हमारे असर हैं। लोग जुगलों की प्रसाद में बैठ गए, सारे एमएलए सब कुछ दे दिया, आज नरेगा की लाइबिलिटी बना के नरेगा में पंचायतों के काम रुकवा के फिर भी बोलते हैं कि ये वैकासिक प्रदेश बनाने के लिए जा रहे हैं। आप बताएं जहां पे हमारे लिए हिमायत स्कीम थी, हमारे लिए उड़ान स्कीम थी, राहुल गांधी ने बनाया और जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने उसका बेहतरीन फायदा लिया। आज 2014 के बाद 3500 स्कूल बंद करने वाली ये सरकार, आपको चाहिए बदला लेना और मनोहर लाल जी के हक में वोट डालना कि नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी जिसने स्कूल बंद कर दिए, जिसने टीचर 1-2010 के बाद ही लगा, जिनकी नौकरियां चली गई उम्रें चली गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो नरेंद्र मोदी है। आज किसानों की क्या हालत करके कितने लोगों ने शहादत दे दी कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। आज जहां पे नौकरी के सिलसिले में घोटाले, भाजपा की सरकार है, नीट के एग्जाम और लीकेज, भाजपा की सरकार है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज सब लोग आपके पास बहुत अच्छा साथी नेता मनोहर लाल शर्मा,
मैं इसकी छवि इनके कारनामे कहा मैं कायल हूं। हालांकि मेरे भी चुनाव है, मैंने कहा नहीं, डॉक्टर मनोहरलाल शर्मा का जीतना जरूरी है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। इनके साथ घर घर में यहां पर जाऊंगा, शिकायतों में जाऊंगा। आज जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह बंद ये लोग करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की किसी झील को बनाने के लिए प्रयास नहीं करते। जम्मू शहर में आर्टिफिशियल लेकर 10 साल हो गए। आप सुंदर सिंह जी जहां पे बैठे हैं, यहां के नुमाइंदे हैं, आप सुरवीसर मानसर लेक को डेवलपमेंट कर पाए, आप हमारे प्रमंडल जो ऐतिहासिक धरोहर थी राम की, उसको बनाने के लिए एक पैसा नहीं दे पाए। बात करते हैं हिंदू को स्प्रेड करके राजनीति रोटियां सेकने की, और मैं आपको बता दूं आप बदलाव की राजनीति शुरू हुई है। हम जम्मू शहर में बैठे हैं, जम्मू शहर में इनको एक सीट भी मिलने वाली नहीं है। मनोहरलाल शर्मा जी आपकी ताकत से बनेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार अगली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनने के लिए जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने मन बना लिया बदलाव।